दोस्तों आपको न्यूज़ तो मिली गया होगा कि अभी भारत सरकार ने अभी पबजी मोबाइल जो गेम था पबजी गेम उसको पूरी तरफ से बैन कर दिया है। अब आप अपने मोबाइल में बिल्कुल भी अब ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी सरकार कितना भी बैन कर ले आपको ये पबजी गेम चलाने से नहीं रोक सकती। आप बिल्कुल मेरा चैनल देखते रहिए और मैं बताऊंगा कैसे आप अपनी मोबाइल में बैन होने के बाद भी आप अपने मोबाइल में पबजी गेम को चला सकते हैं। सिर्फ आपको काम करना है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है और वीपीएन ऑन करना है, वीपीएन चेंज कर देना है। वीपीएन क्या होता है? कोई भी आईपी एड्रेस, आप अपने नेटवर्क एड्रेस, आप कोई भी जहाँ पे ये गेम चल रहा है, जो भी पबजी गेम है ये जिस कंट्री में भी चल रहा है उस कंट्री का आप वीपीएन चेंज कर दीजिए, उस कंट्री का डाल दीजिए, आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन धड़ाधड़ चलेगा। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं। अरे का मोदी जी, एक तो पहले ही देश में बेरोजगारी थी और 33 मिलियन बेरोजगार कर दिए, का मोदी जी, अरे का मोदी जी। तो सॉरी दोस्तों, आप YouTube पर देख रहे होंगे कि कैसे आपको चीट किया जा रहा है, कैसे आपकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आप PUBG मोबाइल के बहुत ज़्यादा अगर लवर हैं तो आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर किया जा रहा है और हर्ट किया जा रहा है कि कैसे आप इसको रन करा सकते हैं और ज़्यादा बैन होने के बावजूद भी आप कैसे अपने मोबाइल में इसको रन करा सकते हैं। लेकिन अगर सच्चाई में बताऊँ तो आप बिल्कुल इसको चला नहीं सकते हैं। आपका काम अब ये है कि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन था और इसको बैन होना ही था, बिकॉज बॉर्डर पर अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन पहले से ज़्यादा अभी कुछ शांत नहीं हुआ है बॉर्डर पे। तो सारी सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सारे एक्शन ले रही है। अभी एक नहीं, सिर्फ पबजी मोबाइल पबजी एप्लीकेशन नहीं है, पबजी लाइट जो था उसका लाइट एप्लीकेशन भी था वो भी बैन हुआ है, उसके साथ साथ 118 एप्लीकेशन फिर से बैन हुए हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे होपलेस मत होइए। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, लेकिन आप इतना सोचिए कि अगर आप उसको टाइम देकर ना देकर आप दूसरे किसी चीज़ में टाइम देंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से अलग हो रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन से अलग हो रहे थे, दूर हो रहे थे सारी चीज़ों से। लेकिन अब आपको अपने एजुकेशन में टाइम देना है, आपको अपनी फैमिली में टाइम देना है। आपको लॉकडाउन में जितना टाइम मिला था अपने फैमिली के क्लोज होने की, आप उतने ही दूर हुए हैं बिकॉज आप पबजी में घुसे रहे। परिवार को टाइम देने का आपको बहुत ज़्यादा टाइम था लेकिन आप वो भी टाइम नहीं दिए। आपको लगा कि पबजी को ज़्यादा टाइम देना है और बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन में तो ऐसे केसेस आए कि फाइट हुआ सिर्फ पबजी गेम खेलने के चक्कर में माँ बाप का और उनके बच्चों का। और बहुत सारे ऐसे केस हुए कि बच्चों ने अपने माँ बाप को पीटा भी। तो ये सिचुएशन को रोकने के लिए मेरे ख्याल से ये स्टेप थोड़ा सा सही है। आप क्या फील करते हैं, हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा हो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप हर्टली अगर आप समझें, थोड़ा सा शांत होकर अगर आप समझें तो ये चीज़ सही हुआ है। आप अपनी फैमिली से क्लोज होइए, ये चीज़ छोड़कर आप दूसरे काम में लगिए, पढ़ाई कीजिए, हो सकता है कुछ आप अलग कर सकते हैं। अगर आपको जोश है आर्मी बनने का तो आर्मी ज्वाइन कीजिए। आप अपना जज्बा कायम रखिए, जो भी आपका पबजी का जज्बा है ना उसको कायम रखिए और उसको लेके जाइए, एक मजबूत मनोबल अपना बढ़ाइए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपको लगता है कि वो भी पबजी के लवर बहुत ज़्यादा थे, तो आप अपना गैंग बनाइए और आर्मी की तैयारी कीजिए, आर्मी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जाके अपना जोश दिखाइए। आपके हित में भी ठीक होगा और देश के हित में भी ठीक होगा। तो इसका अल्टरनेटिव मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि आप फिर उसी कंडीशन में चले जाएंगे। सरकार ने कुछ एक्शन लिया है तो उसको फॉलो करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। बुरा लग रहा हो तो सॉरी, लेकिन बात सच है। चलो अच्छी लगी हो बात तो शेयर कर देना, नहीं तो डिसलाइक तो आप पक्का करोगे। नमस्कार।